हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में रहेंगे, यह उम्मीद है, ये मुझे दुआ है और ये मुझे विश्वास भी है कि आप इस विकट घड़ी में आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए, 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली। हम 10 क्वेश्चन करते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है साहब। तो आज हम मैथ्स के आगे करते हैं। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 81 से लेकर 90 क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन को करना है पोज, खुद करना है सॉल्व, फिर आपको मेथड देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, 9 छात्रों यानी 9 छात्रों समूह का औसत वजन 43 kg है। यदि कोई नया छात्र समूह शामिल होता है तो समूह का औसत वजन 45 किलो हो जाता है, तो नए छात्र का वजन बताओ। देखो एकदम सिंपल है, कितने हैं छात्र? 9 है। मैं अलग मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है परंतु उससे जल्दी हो जाएगा। आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप देखो बच्चे कितने हैं साहब, 1 2 3, समझ गए ना इस मेथड को, तो आप है ना एकदम चुटकियों में बना ले जाओगे, नहीं तो रामायण हो जाती है। 9 है, ठीक है साहब। इनका औसत कितना है? इनका औसत है 43। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि इसकी उम्र भी कितनी होगी 43, इसकी भी कितनी होगी 43, इसकी भी कितनी होगी 43, 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
ठीक है। अब एक और आता है, चलो ठीक है साहब, एक और स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट नंबर 10, उसकी औसत आयु क्या हो, मतलब उसकी आयु क्या हो कि इनका औसत सबका मिलके कितना हो जाए, 45 हो जाए। तो मुझे बताओ सबका औसत 45 होने के लिए क्या चाहिए, पहले तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 45, इसकी खुद की 45 हो, परंतु केवल 45 होने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो प्लस दो इसको भी चाहिए, सबको 45 होना चाहिए तब जाके औसत 45 होगा ना, तो प्लस दो इसको चाहिए, प्लस दो इसको भी चाहिए, प्लस दो इसको भी चाहिए, प्लस दो इसको भी चाहिए, प्लस दो इसको, प्लस दो, प्लस दो और प्लस दो, इन सबको प्लस दो कर दूंगा तो सबकी उम्र कितनी हो जाएगी, 45 45 45 45 45 45 45। तो सबकी उम्र 45 करने के लिए मुझे सबको दो दो और देना पड़ेगा, इसकी आयु 45 प्लस और क्या होनी चाहिए, इनको भी दो दो कौन देगा, इनको दो दो कौन देगा, जो इसकी आयु अधिक होगी वही तो दे पाएगा। तो देखो एकदम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो मैं सिंपल वाला मेथड भी बता दूंगा, आप उससे भी कर सकते हो। तो देखो ये 9 जने थे, प्लस क्या करना पड़ेगा, सबको दो चाहिए तो 9 इंटू दो और जोड़ना पड़ेगा, 45 प्लस क्या करना पड़ेगा, 18, जो कि आपका क्या आ जाएगा, 63। तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 63 साल होनी चाहिए, ये आपका आंसर आ गया 63 ईयर्स। ठीक है, अब जो सिंपल मेथड होता है उसको भी मैं समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं उससे भी, और ये मेथड आपको समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना है ना, क्योंकि आगे मैं इसको और समझाऊंगा और इस तरह क्वेश्चन लाऊंगा तो इसी से कराऊंगा। सिंपल है साहब, 9 का औसत है ना, 9 विद्यार्थियों का औसत, 9 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, औसत होगा साहब, सिंपल सा औसत होता क्या है, 9 स्टूडेंट्स एस लिख रहा हूं का योग बट्टा क्या, 9, यही तो होगा फॉर्मूले से देखता हूं तो 9 स्टूडेंट्स का आयु का योग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये कितना है साहब, 43 दिया हुआ है, इंटू 9, ये भाग में आ जाएगा, ये 9 स्टूडेंट्स का योग है। ठीक है साहब, अब क्या कहा है, अब उसने कहा है कि 10 विद्यार्थियों का औसत, तो 10 विद्यार्थियों का औसत ये क्या होगा साहब, औसत क्या होगा, ये होगा साहब कुछ नहीं, 9 का योग, 9 स्टूडेंट्स का योग प्लस 10th स्टूडेंट, यानी 10वां स्टूडेंट की आयु, बट्टे में इस बार 9 नहीं आएंगे, इस बार क्या आएंगे, 10 आएंगे, तो इससे भी कर सकते हो। तो ये कितना दिया हुआ है, 45 इंटू 10 माइनस क्या कर दोगे, 9 स्टूडेंट्स का योग जो कि क्या है, 43 इंटू 9, ये 10वें की क्या आ जाएंगी, आयु आ जाएंगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी कितना है, 450 से, और ये भी उतना ही आएगा, इसको सोल्व कर लेना, 63 ही इसका आंसर आ जाएगा, 9 27 7 8, ठीक है 63 आएगा आंसर। तो इससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और थोड़ा और बता देता हूँ, कुछ बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखो यही फॉर्मूला है, आपको याद करा दिया जाता है काफी बार कि भाई नया औसत गुणा नए विद्यार्थी
की संख्या माइनस पुराना औसत माइनस गुणा पुराने विद्यार्थी। ये बहुत बार फॉर्मूला याद भी करा देते हैं, परंतु याद करने की जरूरत नहीं। कहा कितनी चीजें याद करोगे, ये सिंपल बना सकते हो ऐसे भी, और नहीं तो वो मेथड समझ में आए तो वैसे भी कर सकते हो। आंसर 63 आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 208 रुपए हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्गों में। यदि प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बराबर है तो प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बताओ। मतलब उसके पांच कुछ बराबर सिक्के हैं, किस किस के हैं, 1 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं। उन सबको मिलाते हैं तो रुपए कितने बनते हैं, 208। मैं मान लेता हूं कि सिक्के कितने हैं, x है, ठीक है साहब, x है। तो डेफिनेटली भाई 1 रुपए वाले सिक्के कितनी वैल्यू देगा, x ही देगा। मैं कहता हूं 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो वैल्यू कितने आएंगी, 5 × 1 यानी 5 ही। 5 रुपए वाले सिक्के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × x। मैं कहता हूँ 5 के 5 सिक्के कितने रुपए हुए तुम्हारे पास, तो तुम क्या कहोगे, 5 × 5 यानी 25 रुपए। 10 के हैं तो वैल्यू कितने दे देंगे, 10x। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 208 दी हुई है। सोल्व कर लो कितना हो गया ये, 16x बराबर 208 16 से काटोगे, 16 × 16 = 16, 16 × 32 = 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 रुपए। यही तो सिक्कों की संख्या तो पूछी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 394 और वर्गों का अंतर 56 है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है जो कि आनी चाहिए आपको। वर्गों का योग यानी x स्क्वायर, पहली संख्या मैंने मान ली x, पहली संख्या मैंने क्या मान ली, दैट इज x, दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, दैट इज y, ठीक है साहब। तो इन्होंने कहा है कि दोनों के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, 394, और साथ में दिया हुआ है x स्क्वायर, चलो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज कितना हुआ है, 94। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से, है ना, x ग्रेटर देन y है, ठीक है सर। अब इन दोनों से मुझे x और y निकालना है और फिर दोनों को जोड़ देना है, तो कैसे करूंगा, इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये दोनों की साइन अपोजिट है तो ये जाएंगे 0, और इधर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 94 ठीक है सर। तो 394 और ये हो गया 450, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 225, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है ना, तो दोनों तरफ रूट लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब किसी एक में रख के y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो x 15 है तो इसमें रख लेता हूं, इसी इक्वेशन में रख रहा हूं, 15 का स्क्वायर 225 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है, 225 माइनस 56 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो गया, 225 में 56 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 169 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, वाई की वैल्यू 13 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या थी, 15 थी, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर में कुछ है या नहीं है, है साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, 28 इसका आंसर आ जाएगा, 55 ये 70 हो गया, 70 और ये 56, 70 50 70, ठीक है साहब, 225 169 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 169 किसका होता है, 13 का होता है। चलो साहब ये आ गया आंसर, दोनों को जोड़ना है, पूछा क्या है, x प्लस वाई, आप निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ो, 15 प्लस 13 दैट इज कितना आ जाएगा, 28 इसका आंसर आ गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको करना आना चाहिए। तो ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां कुछ गायें हैं, यदि सिरों की संख्या व पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है, वह मुर्गी की संख्याओं ज्ञात करनी है यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, दो तरीके बताने की कोशिश करूंगा, आप जिससे चाहें वैसे कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, मुर्गी है, मुर्गी और गाय, तो इनमें देखना हमेशा एक जानवर ऐसा होगा जिसके चार पैर होंगे। देखो मुंह तो सबका एक एक ही होगा, मुंह तो एक एक ही होगा, पैर इसके कितने होंगे साहब, दो होंगे, और इसके पैर कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, दैट इज अंतर है और कुछ अंतर नहीं है ना। अब क्या कहा है,
पैरों की संख्या यानी हेड एच से बना रहा हूं, अनुपात कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या यानी एल, ये अनुपात दिया हुआ है 12:35, ठीक है साहब। साथ में कहा हुआ है कि पैरों की जो संख्या है दैट इज कितनी है 48, 48 है। तो पहले हम इस पैरों की, सॉरी हेड की संख्या दी हुई है, सिरों की संख्या कितनी दी हुई है 48 दी हुई है, तो हम पहले पैरों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल एच बटा एल करो, वो कितना है 12:35, तो h की जगह क्या रख दूं 48, यानी 48 अपॉन l इज इक्वल टू 12:35, तो 12 × 48 35 इंटू 4 करोगे तो यहां से l यानी पैरों की संख्या, लेग्स की संख्या कितनी आ जाएंगी 140। तो अब हमारे पास जो चीज आ गई वो क्या है, हेड कितने हैं 48 है और लेग कितने हैं 140 है साहब, ठीक है सर। पहले तरीका बता देता हूं जो एकदम सिंपल है, जो कोई इसमें नहीं है, ये हम मिटा देते हैं, अब हमारे ये किसी काम का नहीं है। पहला तरीका क्या है कि हेड 48 है, इसका मतलब क्या है, दोनों को मिला के जो संख्या होंगी वो एक्स होंगी, गायें और पैरों, सॉरी गायें और मुर्गियों की दोनों का योग कितना होगा 48, क्योंकि सर तो दोनों के पास एक एक ही है। तो देखो ये हमें क्या निकालना है, मुर्गी की संख्या हम उसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो गायें कितनी हो जाएंगी 48 - x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 48 - x होनी ही पड़ेंगी। अब हमें क्या कर दिया हुआ है, दूसरी चीज पैरों की संख्या कितनी है 140, तो देखो यहां से पैरों की संख्या कितनी आएंगी, एक्स गाय एक्स मुर्गी है, एक के पास दो पैर हैं तो टोटल पैर यहां से कितने आएंगे 2x, और यहां से कितने आएंगे 4 × 48 - x आएंगे, इन दोनों का योग करो, एक के कारण चार आते हैं तो इन कितने के कारण कितने आ गए 4 × 2, इन दोनों का योग कितना होगा 140 होगा। बस अब सोल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा 2x, ये रहा इसको अंदर गुणा करो तो ये कितना हो गया 48 और 160 और 32 192 -4x इजिकल टू कितना आ गया 140 आ गया। अब सोल्व कर लो ये कितना हो गया -2x प्लस 192 दैट इज 140। अब इसको इधर लेके जाऊंगा 2x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले रहा हूँ 192 -140 दैट इज 2x, ये कितना हो गया 52 बराबर क्या हो गया 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दैट इज 25 और 1 26, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी 26 आंसर आ गया 26 आंसर, सिंपल सा काम था। अगर आपको कह देता कि भाई गायों की संख्या निकालो तो आप 48 - 26 कर लेते, कितना आ गया 22 आ जाता गायों की संख्या, ठीक है सर। अब दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है, जिनको वो समझ में नहीं आता तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आ जाता है तो उसकी 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आसानी से आपको आंसर दिला देगा, है ना। अब इसमें लफड़े में नहीं पड़ते हम, तो सिंपल सिंपल सोचते हैं कि भाई ये आ गया ना, अब ये माइंड में सोचो कि भाई मैं मानता कि इसके दो पैर हैं और इसके दो पैर हैं और दो पैर और हैं, ठीक है साहब। पहले मैं मान रहा हूं इसके भी दो पैर हैं, इसके भी दो पैर हैं, तो यदि ऐसा होता कि दोनों के दो दो पैर होते तो टोटल पैर कितने होते 48 दोनों का योग है, सब दोनों के दो दो दे रहे हैं तो उस केस में कितने होते 48 × 2 = 96, है ना। 96 क्या होते पैर होते, यदि दोनों के कितने कितने पैर होते दो दो होते तो, परंतु 140 पैर हैं, परंतु 140 पैर हैं मतलब एक्स्ट्रा कितने हो गए, एक्स्ट्रा कितने हो गए, एक्स्ट्रा हो गए साहब 44। ये 44 किसके कारण आए हैं, ये 44 डेफिनेटली गाय के कारण ही आए, 44 किसके कारण आए गायों के कारण ही आए, ये गायों के कारण आए हैं, एक गाय के कारण एक्स्ट्रा कितना आता है दो आता है ना, दो आ रहे हैं, एक गाय के कारण एक्स्ट्रा आ रहे हैं दो, तो कितनी गायों के कारण एक्स्ट्रा 44 आ जाएंगे, तो आप क्या कहोगे 22 गायस के कारण यानी 22 गायों के कारण कितने एक्स्ट्रा आएंगे 44। तो हमें पता चल गई गायें कितनी हैं 22 हैं, तो मुर्गियां पूछी है तो आप घटा दो इसमें 48 में से, आंसर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हो, वीडियो को 2-3 बार देखना पीछे ले जाके, तब आप समझ पाओगे, और समझ पा जाते हो तो एक और मेथड होता है वो मैं थ्योरी में बताता हूँ, वो होता है मिक्सर एलिगेशन से हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से, वो जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलो साहब ये हो गया 26, क्वेश्चन नंबर 85 मूलधन, अच्छा क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, फिर हम आगे चलते हैं
आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। क्या कह रहा है साहब? ये कह रहा है एक मूलधन 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पे देते हैं, यदि उसे 2% अधिक ब्याज दर पे दिया जाता तो 60 रुपए अधिक आते हैं। ठीक है साहब, मुझे ये बताओ 60 रुपए कितने साल में अधिक आ रहे हैं? पहली बात तो ये समझ लो, यदि हर साल में साधारण ब्याज समान रहता है, कोई कहता है कि पहले वर्ष आपको साधारण ब्याज 200 रुपए मिला, तो बताओ दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? 200 रुपए मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 200, अगले 200 वर्ष भी 200 रुपए ही मिलेंगे। चक्रवृद्धि में क्या होता है, वो चेंज होता है, क्यों? उसमें ब्याज पे भी क्या लगता है? ब्याज लगता है। ठीक है, अब उसने कहा है कि 60 रुपए अधिक मिले हैं, 60 रुपए कितने सालों में अधिक मिले हैं? 3 सालों में अधिक मिले हैं। तो मैं कहता भाई एक साल में कितना अधिक मिलेगा, एक साल की बात करें हम, एक साल में अधिक कितना मिलेगा, एक साल में जो आप अधिक कितना मिलेगा, डेफिनेटली साहब कितना मिलेगा, 60/3, दैट इज 20 रुपए अधिक मिलेंगे। तभी तो पहले साल 20 रुपए मिले अधिक, अगले साल भी फिर 20 ही मिलेंगे, उससे अगले साल भी 20 ही मिलेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 20 रुपए अधिक क्यों मिले हैं? क्योंकि दर कितनी बढ़ा दी, +2 बढ़ा दी, मतलब पहले कितनी थी, x प्रतिशत थी, तो अब कितनी होगी, x +2%। यही बात हुई, पहले यदि x प्रतिशत थी तो अब कितनी होगी, x +2% होगी। तो एक तो बच्चा डायरेक्ट सोच सकते हो क्या कि भाई मूलधन का जो मूलधन था उसी पे तो लग रहा है, मूलधन का जो 2% है, जो अधिक आया है 2% है, वही क्या है, 20 रुपए है। यहां से निकालते हैं तो मूलधन कितना आ जाएगा, दैट इज 2/100, प्रतिशत हटाया बटे में 100 लगाया, 20 रुपए, 10 मूलधन यहां से आ जाता है साहब, कितना, 1000 रुपए, 1000 रुपए ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सर एक्सप्लेन करो, समझते हैं। देखो मैं मानता कि मूलधन क्या है, कुछ भी है, मूलधन जो है वो मान लिया मैंने एक्स है। ठीक है साहब, पहले केस में एक्स प्रतिशत ही दे रहा हूं, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? आपको ब्याज, आपको पता है क्या होता है, पी आर टी अपॉन हंड्रेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी का आर टी प्रतिशत, आर इंटू टी प्रतिशत, यही तो मतलब हुआ, पी का आर टी प्रतिशत। क्यों, देखो प्रतिशत हटाओगे तो पी इंटू आर टी करोगे और बट्टा क्या कर लोगे, 100 कर लोगे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे समय क्या है, टी कितना है, एक है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, एक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही गुणा करना, सीधा कह सकता हूं पी का आर प्रतिशत। ऐसे भी नहीं समझ पाते तो सिंपल समझो कि भाई पहले वर्ष ब्याज कितना आया होगा, पहले वर्ष ब्याज आया होगा, पी मूलधन मार रहा हूं, आर कितने हैं, एक्स है, टी कितना है, एक है, बट्टा क्या हो गया, 100। ठीक है सर, अगले वर्ष जो ब्याज आया होगा वो कितना हुआ होगा, वो ये होगा पी गुणा आर कितनी है, इस बार एक्स प्लस टू है, और टी कितना है, एक ही वर्ष है, और बट्टा 100। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, वो अंतर ही क्या है, 20 रुपए। तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों का अंतर निकालो। पहला क्या है, ज्यादा यही है, तो पी इंटू बटा 100 एक्स प्लस टू माइनस पी इंटू एक्स बटा 100, यही है, ये कितना है, 20 रुपए है। तो करो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, पी बटा 100 कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स प्लस टू माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, तो दैट इज 20 रुपए। तो x इंटू टू यानी p इंटू टू बटा 100 आ गया 20 रुपए। सोल्व करोगे तो यहां से भी p की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। तो जैसे मर्जी हो वैसे समझ लेना, आप फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से कर लेना, और वैसे समझो तो वैसे समझ लेना, थ्योरी देखोगे तो वैसे भी समझ पाओगे। थ्योरी की क्लासेस अभी कुछ ही जल्दी जल्दी चालू हो जाएंगी, किसके लिए, साधारण ब्याज के लिए, एरिया एंड वॉल्यूम तो हमने करा ही दिया है ना। अगर आपने बाद में देख रहे वीडियो तो क्या पता ये थ्योरी हो चुकी हो, तो थ्योरी की क्लासेस लग रही है, जाके यूट्यूब पे नहीं सॉरी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और हम आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, राजस्थान पटवारी रीजनिंग नाम से, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके क्लिक कीजिए और सारी क्लासेस एक बार देख डालिए। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। राकेश अपनी कुल आय का 20% किराए के रूप में दे देता है, बच्चे हुए का 70% घर के व्यय में खर्च कर देता है, यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो राकेश की कुल आय कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली नहीं है, हमने मानी कितनी है भाई 100 रुपये, हमने मान ली के भाई कितनी है 100 रुपये। ठीक है साहब,
फायदा क्या है, क्योंकि सारा परसेंटेज का काम किस में चलता है, सो पे चलता है। 20% वो क्या करता है, किराए पे देता है। तो 20% किराए पे देगा तो बचेगा कितना, 80 रुपये, बच गया 80 रुपये। शेष बचे हुए का 70% अपने घर पे व्यय कर देता है। तो बचे हुए का ध्यान रखना, सो का नहीं, बचे हुए का कितना प्रतिशत, 70%, यानी 80 का कितना साहब, 70% वो खर्च कर देता है। तो 80 का 70% कितना हुआ, 56, 56 रुपये वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है साहब, तो अब बचेंगे कितने, अब जो बचेंगे, जो बचत होगी वो कितनी होगी, 80 माइनस 56 यानी कितने साहब, 24 रुपये। 24 रुपये उसकी बचत हो जाती है। कब होती है ये 24 रुपये, जब हमारा क्रे जो उसकी टोटल आय कितनी हो, 100 हो, है ना। तो जब बचत 24 रुपये होती है तब टोटल आय कितनी होती है, 100 होती है ना। जब बचत 1 रुपये होगी तो टोटल आय कितनी होगी, 100/24। अब बचत हो कितनी रही है, क्वेश्चन कह रहा है 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये बचत होंगी तब कितना होगा, 100/24 × 1800। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 100/24 × 1800 कैलकुलेशन कर लो, 6 से काट देता हूँ, 6 × 24, 6 × 3 = 18, ठीक है, और 4 = 25, 25 × 3 = 75, 00 यानी 7500 रुपये उसकी टोटल आय रही होगी, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे बना लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है आपको, पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। उसने कहा भाई 54 रुपये से, क्या कह रहा है, 54 रुपये प्रति किलो से बेचने पे 10 रुपये का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है। अगर 20% का लाभ चाहिए तो चावल का मूल्य प्रति किलो क्या होगा, यानी आपको विक्रय मूल्य पूछा है जब आपको 20% का लाभ हो। ठीक है साहब, क्या कहा है, 54 रुपये। इस तरह क्वेश्चन में आप 1 किलो के लिए निकाल लिया करो, एकदम सेटिंग बैठ जाएंगी, 54 रुपये हैं इस पे बेचने पर, है ना। तो ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। इससे क्या होता है भाई, 10% का नुकसान होता है। 10% का मतलब 10/100 यानी कितना, 1/10, है ना साहब, 1/10, 10% का नुकसान होता है। तो इसका मतलब क्या है, 1/10 का मतलब क्या है, यदि क्रय मूल्य क्या हो, यदि क्रय मूल्य कितना हो, 10 हो, तो हानि कितने की होगी, 1 रुपये की होगी। 1/10 का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई यदि क्रय मूल्य 10 रुपये हो तो हानि कितनी हो जाएंगी, 1 रुपये की हो जाएंगी। यहां हम निकालते हैं तो अब यदि 10 रुपये क्रय मूल्य है तो हानि 1 रुपये की होगी, तो इस केस में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, 9 रुपये, 9 रुपये हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। क्यों भाई, हानि हो रही है, इसलिए 10 का खरीद के 9 में बेचा तो नुकसान ही हुआ है ना। तो जब 9 रुपये विक्रय मूल्य था तब क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये। 9 रुपये विक्रय मूल्य था तब तो क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये। जब 1 रुपये हो जाएगा तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 9 तो क्रय मूल्य कितना, 10, 1 तो 10/9 आपका कितना है, 54 है, तो 54 होने पे कितना हो जाएगा, 10/9 × 54 तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा साहब। अब आपके पास क्रय मूल्य आ चुका है, क्रय मूल्य आते ही आप अपना एकदम दिमाग लगाइए और सेकंड्स में इस आंसर बना दीजिए। क्या कहा है, क्रय मूल्य आ गया कितना साहब, 60 रुपये, क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये, मतलब 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसने क्या करें, खरीदे। तो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो सिंपल सा है, 20% का लाभ यानी 60 का कितना भाई, 20% कितना होता है, 20% होता है साहब 12 रुपये, यानी 12 रुपये का लाभ चाहिए। अब लाभ चाहिए 60 में खरीद के, 12 का लाभ चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कितना रुपये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 12 रुपये यानी 72 रुपये, 72 रुपीज में आपको बेचना पड़ेगा। तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, दैट इज विक्रय मूल्य इज 72 रुपीज। 72 रुपये में बेचोगे तो आपको फायदा कितने का हो जाएगा साहब, फायदा हो जाएगा आपको सिंपल सा 12 रुपये का, यानी 20% का। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, और तब तक मैं थोड़ी इंक भर लेता हूँ मार्कर में, आपको डार्क नहीं दिख रहा होगा। चलो क्या क्वेश्चन है, 72 रुपये ऑप्शन में था ना, हाँ ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, कल की क्लास में भी हमने किए थे,
आज भी करेंगे, परंतु आज पिछली क्लास में केवल हमने दर निकाली थी, और इस क्लास में हम दर के साथ साथ क्या निकालेंगे, मूलधन भी निकालेंगे। देखो कैसे भाई, किसी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो मैंने आपको बताया ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको मैंने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए बराबर होता है, भले इस साल 200 है ना, तो अगले साल भी 200 होगा और 10 साल बाद भी 200 रुपये होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले दिन मैंने 200 है ना, तो अगली बार 200 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, साथ में जो ब्याज इकट्ठा हुआ है उस पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो देखो कैसे होता है। अब उसने कहा है कि 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, 600 रुपये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, 600 रुपये साधारण ब्याज है। तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूं कि पहले साल भी 300 रुपये दिए होंगे, अगले साल भी 300 रुपये दिए होंगे, तभी तो बराबर होते हैं, है ना। तो 600 रुपये हो गए। सीआई पहले साल 300 होगा और अगले साल 300 प्लस कितना होगा, 15 रुपये, क्योंकि टोटल जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 615 आना चाहिए। पहले साल के लिए सीआई और एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा 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 बराबर होता है, ठीक है साहब, जब दर समान हो मूलधन समान हो। अगले बार थोड़ा बढ़ के आ जाता है, ठीक है। अब मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा की थी, ये 15 एक्स्ट्रा कैसे आया, ये 300 आता तो हम समझ जाते ये तो किसका है, मूलधन पे ब्याज है, ये 15 ब्याज किस पे है, जो पिछला ब्याज आया ना उस पे है, उस पे ब्याज के कारण ही हमें क्या हुए, 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो हम देख लेते हैं 15 300 का कितना प्रतिशत है, तो हम चेक करते हैं 15 300 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर लेते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे दैट इज 5, ये 5% ही इसकी क्या आ गई, दर आ गई, ये आपका दर निकल गई। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, जब भी 2 साल का पूछे तो आप सिंपल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो कि दर प्रतिशत कितनी होती है, वो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट बटा 2 × 100, ये होता है सर। नहीं तो आप सिंपल इस तरह सोच के करें तो आपके लिए फायदा है। यही तो काम किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 615, ये कितना था, ये था 600, घटाओगे तो 15 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 600 बटा 2 करोगे तो 300 × 100 आ गया। सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो अब दर 5% आ गई, अब आप तो निकाल ही सकते हो, आपके पास देखो सिंपल इंटरेस्ट है यानी सरल ब्याज है, 5% दर भी है और समय भी है आपके पास। क्यों, समय कितना है, 1 साल, 1 साल में तो ये ब्याज है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो, पी इजिकल, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है साहब, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट है कितना साहब, 300 रुपये, पी निकालना है, आर हमें पता है कितनी है 5%, टी हमें पता है 1 वर्ष के लिए, ये कर लिया 100, तो निकाल लोगे तो 6000 रुपये आ जाएगा आपका मूलधन। तो पिछली क्लास में हमने यहां तक तो किया ही था, अब अगली क्लास में एक स्टेप बढ़ गया है, तो इसी तरह लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्वेश्चंस के, इसलिए मैं कहता हूँ सारी क्लासेस देखो, अभी आपके पास समय है इसलिए आप जरूर देखें एक बार, ठीक है सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वो कह रहा है साहब जो बहुत ही फर्जी चीज है कि भाई ए किसी काम को 6 दिन में करता है, वही काम को बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है क्या, हाँ 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो सिंपल काम है यार, ए बी, आप ए कितने दिन में करता है, 6 में, बी कितने में करता है, 12 में। सबसे काम पहले क्या कह रहा करो, इन दोनों का लिया करो एलसीएम, है ना, वो क्या आ जाएगा 12। ये आपके लिए हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य होता है, ठीक है साहब। फिर क्या करना है, 1 दिन का कार्य निकालना है, तो 1 दिन का कार्य के लिए क्या करोगे, 1 दिन का काम कैसे निकालोगे, 1 दिन का काम कैसे निकलता है, ये निकलता है इसमें इसका भाग दो, तो 12 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा साहब, ये आ जाएगा 2, और 12 में 12 का भाग दे दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये 1 दिन का काम है और ये टोटल काम है। अब कहा कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 + 1 यानी 3 यूनिट काम कर लेंगे, 3 यूनिट 1 दिन में सल्टा लेंगे, 12 यूनिट करनी है तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। नहीं तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि भाई डेज हमेशा कितने आते हैं, दिन कितने आते हैं, फॉर्मूला देख लो, कुल वर्क टोटल वर्क अपॉन वन डेज वर्क मतलब कुल कार्य बटा 1 दिन का काम,
एक दिन का काम। थ्योरी में और अच्छे समझाते हैं आपको, अभी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। कुल कार्य कितना था? 12। और एक दिन का काम दोनों मिलकर कितने करते हैं? 3। आंसर क्या आ गया? 4 days। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई रामायण नहीं थी, आराम से आप बना सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 90, ये करना है आपको, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके आंसर हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमें पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। और क्लास अच्छी लगे तो कर देना लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में फेसबुक पर जुड़ जाना, फेसबुक पर केशव भानु क्लासेस सर्च करोगे, KBC नाम से हमारा पेज आएगा, उसे कर देना लाइक। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे, तो अभी जाओ यूट्यूब पे, सर्च करो केशव भानु क्लासेस, हमारा चैनल आपको मिलेगा, वहां पे आप कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा ये परिवार बढ़ सके और हम आपको और रिसोर्सेज दे सकें। तो इसी उम्मीद, इसी दुआ, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आज लेता हूँ मैं अलविदा, कि आप रहेंगे स्वस्थ, सुरक्षित और अपने घर में, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। मिलता हूं कल सुबह वापिस वापिस अगले अगली क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।